भूपेंद्र सवन्नी जी, ओपी चौधरी जी, रोशन अग्रवाल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी मात्रा में अभी लोग आ ही रहे हैं। इस मौसम में इतना जल्दी इतने दूर दूर से आकर निकल के आना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। और अभी अभी वरुण देवता जी ने भी आकर के आशीर्वाद दिए, आपके प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश हमेशा से मुझे अभिभूत करता रहा है। आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना रहा है। जब सत्ता के गलियारों में हम लोग कहीं नहीं थे, तब भी मैं जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका हुआ करता था, संगठन के कार्य के लिए आपके बीच आकर के बैठा करता था, आपसे बातें करता था। और मैंने यहां के कार्यकर्ताओं में, यहां के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भाव मैं अनुभव करता था, वो बड़ा अभूतपूर्व था। अटल जी के प्रति जिन्होंने छत्तीसगढ़ दिया, उनके प्रति यहां के लोगों की जो श्रद्धा थी, वह भी अप्रतिम थी। और इसलिए छत्तीसगढ़ आने का, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात में, तब भी आपके बीच बार बार आने का मन करता था, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद तो उससे ज्यादा बार अकेला मैं आया। साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। मैं राज्य के मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आदरपूर्वक बधाई देता हूं। आपने एक जनादेश दिया है, जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने सिर माथे पर उसको चढ़ाया है। जय और पराजय जीवन का हिस्सा होता है। इन चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, व्यापारी, कारोबारी, हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। यहां जो सड़कों के काम है, रेलवे के काम है, नए हवाई अड्डे बनाने के काम है, उद्योग धंधे लगाने के काम है, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम इसमें और तेजी लाएंगे, और ज्यादा करेंगे, और अच्छे ढंग से करेंगे। साथियों, आज मां चंद्रहासिनी, मां नाथलदाई, देवी डोकरीदाई, श्री सत्यनारायण बाबा और श्री प्रियदर्शन राम जी के शुभ आशीष से नए भारत के नए जनादेश के लिए आप सभी के बीच आया। भाइयों और बहनों, जसपुर संत गहरा गुरु और अवधूत बाबा भगवान राम की कर्मस्थली रही है। रायगढ़ महाराजा चक्रधर सिंह जी,
स्वतंत्रता सेनानी किशोरी मोहन त्रिपाठी जी और तोड़ाराम जोगी जी की भूमि है। इस धरती ने मुकुटधर पांडे जी जैसे साहित्यकार दिए तो किरोड़ीमल लुहारीवाल जैसे दानी और रामकुमार अग्रवाल दयाराम सेठवार जी जैसे समाज सेवी दिए। मैं इन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। इस भूमि ने भारतीय जनता पार्टी को लखीराम जी अग्रवाल और दिलीप जुदेव जी जैसे समर्पित नेता दिए जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की ही देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक वट वृक्ष की तरह से पूरे भारत में विस्तार हो रहा है। साथियों, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सामान्य मानवी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प अटल रहता है। 2 महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो हमने भी इस उम्मीद के साथ बधाई दी कि चलो 15 साल के बाद वे कुछ नई सोच के साथ कुछ नई शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नए तरीके से कुछ काम करेंगे। भाइयों और बहनों, उन्होंने नया किया तो क्या किया अभी आप भी नहीं जान पाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले बेहतर किया जा रहा था उसको भी ठप करने में लगे हुए हैं। यहां की कांग्रेस सरकार ने जो सबसे पहले 2 बड़े फैसले लिए उन पर आपको विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे यहां कहावत है ना कि पुत्र के लक्षण पालने में, यही कहते हैं ना। इस सरकार ने शुरुआत में काम किए उससे पता चलता है कि उनका इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके तौर तरीके क्या है। साथियों, यहां की सरकार ने पहला काम किया आयुष्मान भारत पीएम जय यानी मोदी केयर से छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय किया। दूसरा फैसला क्या किया? दूसरा फैसला उन्होंने किया सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे। अरे क्यों भाई, आपको किस बात का डर है? आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर आपके राज्य में गरीब स्वस्थ हो जाए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, गरीब को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाए? आपको तो कुछ देना नहीं है, आप क्यों इस लाभ से उस गरीब को आदिवासी को वंचित करना चाहते हैं? भाइयों बहनों, असल में कांग्रेस का रोम रोम बिचौलियों के एहसान तले दबा हुआ है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली है। यही कारण है कि यहां की नई सरकार ने सबसे पहले आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला किया गया है। ये योजना बहुत सफलता के साथ यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान देने का काम कर रही थी, लेकिन अब यहां के गरीबों से आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने का अधिकार छीन लिया गया है।
और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीब को किस बात की सजा दे रहे हैं। आज देश का गरीब मोदी के साथ खड़ा हो गया है, ये उनको बहुत चुभता है। उनको लगता है कि हमारे 55 साल के कारोबार में हमने सुबह शाम गरीबों की माला जप करके ये हमारा एकाधिकार बना दिया था, गरीब यानी हम। ये मोदी कौन होता है जिसको गरीबों ने स्वीकार कर लिया, गरीबों ने अपना लिया? और मोदी कौन होता है जो गरीबों का ईमानदारी से काम करने में जुड़ जाए और इसी बात ने उनको परेशान करके रखा हुआ है? लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आपने 55 साल गरीबों के नाम पर देश को गुमराह किया, गरीबों को बर्बाद किया, उनके सपनों को कभी अंकुरित तक होने नहीं दिया। हमने 55 महीने के भीतर भीतर गरीबों में एक नया विश्वास भरा है, नया जोश भरा है, नए सपने सजाए हैं और उसकी उंगली पकड़ करके आगे निकलने के रास्ते खोजे हैं। और इसलिए अब गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगा है। ये आपको चुभ रहा है? आपने गरीबों को इतने सालों तक मूर्ख बनाया था, आज गरीब आपका हिसाब मांग रहा है, इसलिए आपके आंखों में चुभ रहा है। और इसलिए आप छत्तीसगढ़ में आते ही गरीबों को मिलने वाली मदद को छीन ले रहे हो। साथियों, छत्तीसगढ़ आप फिर बरसों पुरानी स्थिति की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, ऐसी अनेक गंभीर बीमारियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के गरीब भाई बहन को अपनी सारी जमीन और घरबार तक बेचने की नौबत आएगी और यही बैठे हुए कांग्रेस के तौर तरीकों का नमूना है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना में वैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों का चयन होता है, कोई किसी का नाम लिस्ट से हटा नहीं सकता। फर्जीवाड़ा करके किसी का नाम जुड़ नहीं सकता और पैसे सीधे अस्पताल के अकाउंट में जाता है। मरीज को एक भी रुपया अस्पताल को देना नहीं पड़ता है। गरीब को यही सीधी मदद बिचौलियों के सहारे काम करने वाली कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ऐसी कोई भी योजना जिसमें दलाल ना हो, बिचौलिए ना हो, वो कांग्रेस को रास नहीं आती है। साथियों, जिनको पीढ़ियों से मलाई खारने की लत लगी हो, जो 15 वर्षों से तरस रहे हो, वो चौकीदार की ऐसी चाक चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते हैं? वो तो ऐसी योजना लाएंगे जिसमें तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था हो, उनको उसी में रुचि है। भाइयों और बहनों, घोटाले गपलों की इस नीति और नियत का ही परिणाम है कि यहां की सरकार ने सीबीआई की जांच में भी अड़ंगा लगाने का फैसला लिया। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो
तो वो क्या किसी जांच से डरेगा क्या? डरेगा क्या? डरेगा क्या? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है क्या? अगर राज्यों में देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचार होता है तो सीबीआई को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? साथियों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसमें समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लग गई है। आखिर दिल्ली से भी तो उसे यही संस्कार विरासत में मिलते हैं, और अगले चुनाव के लिए उनको तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाना है कांग्रेस पार्टी का। अगर सीबीआई यहां बैठेगी तो एटीएम बनेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्से भर भर कर कुछ माल भेजना है, इसी के बदले में तो यहां व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज देखिए अदालतों में गंभीर मामले चल रहे हैं। कुछ जमान पर छूट रहे हैं, कुछ अग्रिम जमानत लेकर के जी रहे हैं। क्या मामले चल रहे हैं? टैक्स चोरी के, जमीन और प्रॉपर्टी में घोटाले के। हालत यह है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य आज जमानत पर बाहर है या अग्रिम जमानत लेकर के बैठे हैं। कानून से बचने की इनकी कोशिशों के बीच चौकीदार अलर्ट है। उनके हर राज को बाहर निकालने में जुटा है। देश विदेश से इनके राजदारों को, इनके दलाल मामा और चाचाओं को भारत लाया जा रहा है और जांच एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, चौकीदार की ये सख्त कार्रवाई देखकर अब ये जरा बौखला गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों की मिलावट करने की कोशिश हो रही है जो कभी उन्हीं को कोसते हुए कांग्रेस से बाहर निकल गए थे। इन लोगों में आपस में होड़ लगी है कि कौन मोदी को ज्यादा से ज्यादा गाली देकर अपने नंबर बढ़ा ले। ये जो महामिलावट है, उस महामिलावट में एंट्री का एक ही क्राइटेरिया है। आप बताओ, आप मोदी को कितनी गाली दे पाते हो? अगर ज्यादा दे पाते हो तो महामिलावट में एंट्री है। देश के भविष्य के लिए इनके पास कोई योजना नहीं, इसलिए इन मिलावटी लोगों ने मोदी को ही मुद्दा बना रखा है। सुबह शाम मोदी मोदी करते रहते कि नहीं करते रहते? यही करते ही नहीं करते? भाई और बहनों, आपको इन मिलावटी लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरे हुए इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। इनका असली राजनीति यही है कि खुद भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दो, संरक्षण दो। लेकिन साथियों, ये कितनी भी महामिलावट कर लें, चौकीदार चुप बैठने वाला नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी किताब खुलने से डर से देश के शक्तिशाली सुल्तानों पर हाथ डालने से बचते थे। आपने सुना होगा, कल ही लोकसभा में मैंने कहा है
न मैं किसी भ्रष्ट का एहसान लूंगा और न ही किसी भ्रष्ट पर एहसान करूंगा। साथियों, ठगी और धोखाधड़ी कांग्रेस की रग रग में बसी है। छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्ज माफी का वायदा किया गया था, कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? हुआ क्या? जरा बताइए ना, हुआ क्या? और 10 दिन में करने के लिए कहां तक नहीं कहा था? वोट बटोर लिए, खेल खत्म। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? और मुझे बताया गया है कि सिर्फ उन किसानों का थोड़ा बहुत कर्ज माफ किया गया है जिन्होंने ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों से ऋण लिया था। उनका क्या हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय बैंकों से लोन लिया था? क्या वो किसान नहीं है? क्या उनके सर पर कर्ज नहीं है? क्या उसको कर्ज माफी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और चुनाव के पहले ये बताया क्यों नहीं आपने? यही काम धोखाधड़ी। उनको पता है कि एक बार वोट बटोर लो, कुर्सी छीन लो और फिर जनता जनता के ठिकाने पर और नेता दरबारों में जाकर के जी हजूरी करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात, उन गरीबों किसानों का क्या हुआ जिन्होंने किसी साहूकार से कर्ज लिया या किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया है, उनका कौन करेगा? साथियों, कर्ज माफी के नाम पर बिचौलियों का पेट भरने का काम करने वाली कांग्रेस के यही तौर तरीके हैं। ये 10 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष के बाद चुनाव सामने दिखता है तो किसानों के कर्ज माफी का पटारा खोल करके आ जाते हैं। पहले 2009 का चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का खेल लेके आए थे, अब 2019 में लेकर के आए हैं। लेकिन इनकी कर्ज माफी का सच यही है कि बिचौलियों का भला होता है और किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दब जाता है। साथियों, अगर बहुत ईमानदारी से कर्ज माफी की जाए तो भी देश में, आपके गांव में भी 100 में से 20, 25 या 30 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है। अभी ये जो कर रहे हैं उसमें तो इससे भी कम मिलने वाला है। बाकी के किसान क्या खेती नहीं करते? क्योंकि वो और ज्यादा गरीब है, इसके लिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ये भेदभाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है। इसलिए ही भाजपा सरकार इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आई है। इसके तहत किसान को साल में 6000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं। इससे छत्तीसगढ़ समेत देश भर के करीब 12 करोड़ ऐसे किसान परिवारों को लाभ होगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ के गांवों में 100 में से करीब करीब 90 से भी ज्यादा किसानों को मोदी की इस योजना का लाभ मिलेगा। 100 में से 90। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ 10 साल में एक बार आती नहीं है, लेकिन
मोदी ने जो योजना लाई है वो हर साल किसानों का फायदा करेगी। कांग्रेस की कर्ज माफी योजना से 10 साल में एक बार 50,000 करोड़ रुपया ये इने गिने किसानों के पास जाते थे। मोदी की जो योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहत अभी का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50,000 और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले हैं। आप मुझे बताइए इससे किसानों का लाभ होगा कि नहीं होगा, कर्ज करने की मजबूरी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, फसल पक के समय उसको जो जरूरी चीजें हैं वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। सोचिए ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी मदद होने जा रही है। साथियों, कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। अब उन्हें बिना बैंक गारंटी ज्यादा कर्ज मिला करेगा। हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। मैं इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इस किसान हितैषी निर्णय के लिए बधाई देता हूं। भाई और बहनों, हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके उसके लिए ब्याज दर में छूट के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाती थी उसे पिछले 5 वर्षों में 2 गुना किया जा चुका है। अब इस साल के बजट में फसली ऋण को बढ़ाकर 11,68,000 करोड़ रुपए किया गया है, यानी किसानों को खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए अब ज्यादा राशि कर्ज के तौर पर मिलनी तय हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है, गरीब के दर्द उसकी तकलीफ को समझने वाली सरकार है। बीते 4.5 साल में हमने लगातार कोशिश की है कि गरीब की जिंदगी आसान बने। सरकार के इन्हीं प्रयासों का असर है कि देश में गरीबी कम होना शुरू हुई है। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में इस साल के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की गई है। मेरे मजदूर भाइयों बहनों के लिए, श्रमिक परिवारों के लिए, जो घरों में काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जो सड़कों या घरों के निर्माण में जुटे हैं, जो मिट्टी या लेबर का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ऐसे करोड़ों बहनों भाइयों के लिए
देश के इतिहास में पहली बार कोई योजना बनी है। ये वो वर्ग है जिसके नाम पर देश में सिर्फ नारे ही लगाए, राजनीति ही की गई, कभी उनके भले के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए। सरकार की नई योजना के तहत ऐसे श्रमिक साथी
Thank you.